The entire middle class in India is literally struggling. इंडिया में अगर कोई क्लास सबसे ज्यादा मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए और टैक्स भरने के लिए वो है इंडिया की मिडिल क्लास. एंड स्टिल द मिडिल क्लास डजंट हैव इनफ मनी. आई एम प्रेटी श्योर कि आप में से भी कई लोग कभी कभी बैठते होंगे और सोचते होंगे कि यार मेरी सैलरी तो अच्छी है, मैं मेहनत भी इतना करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरा जो पैसा है वो जा कहाँ रहा है. मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट किया, पिछले एक दो साल से मैं अपने पैसे का कर क्या रही हूँ, एंड देन आई रियलाइज कि ऑल माई मनी इज बेसिकली गोइंग टू द गार्बेज बिन. एंड आई एम प्रेटी श्योर आपका जो पैसा है वो भी गार्बेज बिन में जा रहा है, यानी कि डस्टबिन में जा रहा है हमारा पैसा. नाउ यू आस्क के हाउ इज आर मनी गोइंग टू द डस्टबिन. सो या वेलकम टू सोशल अनियन एंड लेट्स जस्ट लुक बैक एंड सी कि हमारे टॉक्सिक स्पेंडिंग बिहेवियर कैसे हमारी सेविंग्स को डिप्लीट कर रहा है एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर लेफ्ट विथ नो मनी. दीज डेज स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में वी हैव बिकम अ विक्टिम ऑफ कंज्यूमरिज्म. हमको लगता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये खरीदना है वो खरीदना है, और हम इतना सारा कचरा खरीद लेते हैं अपनी मेहनत पसीने की कमाई से, इतना सारा कचरा खरीद लेते हैं जिस कचरे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. और जब तक हम रियलाइज करते हैं कि इस कचरे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है तब तक हम अपना पैसा उस पर लगा चुके होते हैं, और बिकॉज हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है एट द एंड ऑफ द डे वो सामान डस्टबिन में जा रहा है. तो सामान नहीं जा रहा है डस्टबिन में, डस्टबिन में जा रही है आपके मेहनत पसीने की कमाई. द मोमेंट वी ग्रेजुएटेड एंड वी गॉट आवर फर्स्ट जॉब, तब जब हमें हाथ में फर्स्ट सैलरी मिलती है, जो हम शॉपिंग करने जाते हैं वो हम ये करते हैं कि हम बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं. ऐसे कपड़े जो हम फर्स्ट सैलरी से खरीदना शुरू करते हैं वो हम हर महीने खरीदते रहते हैं, कपड़े खरीदना हमारा बंद ही नहीं होता. और बिकॉज आजकल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, दुनिया भर के वेबसाइट्स हैं जो सारा दिन आपको पॉपअप्स देते रहते हैं कि ये कपड़ा खरीदो, ये टी शर्ट खरीदो, ये साड़ी खरीदो, हम अपने आप को रिस्ट्रेन भी नहीं कर पाते. पहले तो एटलीस्ट हमको तैयार होकर बाजार जाना पड़ता था फिर खरीदारी करनी पड़ती थी, आजकल सारा दिन हमारे आंखों के सामने सामान रहता है, कपड़े रहते हैं, वी कैन बाय देम जस्ट विद वन क्लिक, एंड दैट्स द रीजन वी बाय क्लोथ्स दैट वी डोंट नीड. आज के डेट में मेरी खुद की अलमारी में आई थिंक आई कैन काउंट कि ये मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है, यहाँ पे मेरी सारी साड़ियाँ नहीं हैं, एंड स्टिल मेरे पास इस घर में एटलीस्ट 60-65 साड़ीज होंगी, और वो सारी बहुत ही ज़्यादा कीमती साड़ियाँ हैं जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में खरीदी है, और इनमें से 90% साड़ीज मैंने आज तक पहनी तक नहीं है. पहनना तो दूर की बात है, मैंने उसका ब्लाउज भी नहीं बनवाया है, मैंने उस पर फॉल्स भी नहीं कराया है, बस खरीद के रख दिया है. नाउ अगर मैं सोच लूँ कि ये एवरेज में भी एक साड़ी 5,000 की होती होगी, देन वी कैन चेक कि कितना ज़्यादा पैसा मैंने इन साड़ियों पर बर्बाद किया है. एंड दी साड़ीज आर जस्ट सिटिंग इन माई अलमीरा, भगवान जाने उसमें से कितनी साड़ियों को शायद कीड़े कुतर गए होंगे. अगर मैं खोलूँ सिल्क की साड़ियों को तो शायद मुझे देखेगा कि कीड़े कुतर गए हैं. नॉट ओनली दैट, there are dresses, there are so many one piece dresses that I have bought क्योंकि मुझे Myntra ने suggest करा था, और उससे भी ज़्यादा मुझे social media influencers या YouTube influencers ने मुझे suggest करा था कि ये वाला dress ले लो, वो वाला dress ले लो. और जब भी मैं influencers को देखती थी वो dress पहने हुए, मुझे लगता था they are looking so beautiful, मैं जाके वो dress ले लेती थी. लेकिन आई डोंट हैव अ प्लेस टू वेयर दोज ड्रेसेस, इसीलिए वो ड्रेसेस बस मेरी अलमारी में पड़े हुए हैं, मैंने उन्हें एक बार भी पहना नहीं है. और ये ड्रेसेस भी 1,000-1,500-2,000 से कम नहीं है. देन जस्ट इमेजिन हाउ मच ऑफ माई मनी, हाउ मच ऑफ माई कैश इज एक्चुअली वेस्टेड एंड ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ ऑल द अनवॉन्टेड शॉपिंग दैट आई डिड. कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे कोई ड्रेस पसंद आ जाती थी लेकिन वो मेरे साइज में नहीं होती थी, तो मेरे साइज में नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये सोच के खरीद लेती थी कि यू नो वॉट, मैं मेहनत करूंगी और मैं पतली हो जाऊंगी और तब ये ड्रेस मुझे फिट आएगा. दैट नेवर हैपेंड. सो दैट ड्रेस इज स्टिल सिटिंग इन माई अलमीरा विद द प्राइस टैग नेवर वोन. तो क्या हो रहा है बेसिकली इट्स मनी वेस्टेड. I have wasted my money like this, lakhs and lakhs and lakhs of money. उसको मैं कहीं invest नहीं कर सकती, मैं उन्हें बेच नहीं सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती उस पैसे का. It's wasted and I'm pretty sure I'm not the only one. I'm sure कि आप में से भी जितने भी 4-5 लोग मुझे देख रहे हैं, आपने भी इस तरह की शॉपिंग करी है जहाँ पे आपने एक दो महीने में रियलाइज कर लिया है कि दिस शॉपिंग वॉज कम्प्लीट वेस्टेज, आपका जो पैसा है वो बस बर्बाद हुआ है. वी कैन एटलीस्ट गिव देम टू द नीडी पीपल, जिन्हें वो कपड़े फिट आएंगे, जिन्हें वो कपड़ों की ज़रूरत है उन्हें हम दे सकते हैं, अपना अलमीरा थोड़ा खाली कर सकते हैं, और उसके बाद कपड़े खरीदने पे हम थोड़ी रोक लगा सकते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ आर मनी इज
getting wasted in unwanted shopping of unnecessary clothes. The second thing that we really need to stop buying, and this goes for us ladies, is artificial jewelry. Such a wastage of money. और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ट्रेंड या प्रमोशन बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो या यूट्यूब में हो. वो हॉल दिखाएंगे जिसमें वो दिखाते कि उन्होंने 15 सेट खरीदे हैं, 20 सेट खरीदे हैं. ये एक एक सेट 500 टू 1200 के होते हैं एटलीस्ट, और उन्हें देख के हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम भी जाके खरीद लेते हैं. बिकॉज लिंक तो दिया ही होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ऐसी गलतियाँ मैंने भी की है, एंड वो वाले सेट्स मैंने नहीं पहने हैं कभी भी. एक या दो सेट को छोड़ के मैंने वो सेट्स पहने ही नहीं हैं. रीज़न ये है कि ना तो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों की लाइफ में इतने ओकेशंस आते हैं इतने हैवी हैवी सेट्स पहनने के, ना ही हमारी इतनी सारी शादियां होती हैं रिश्तेदारों में. हम अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, आधे से ज़्यादा शादियाँ हम अटेंड नहीं कर पाते, तो वो सेट्स कभी काम में नहीं आए. बस जंग लगता रहता है, उनका जो ग्लो है, जो ग्लेज है, वो कम हो जाता है. इट इज जस्ट सिटिंग देयर रॉटिंग इन द अलमीरा अगेन. तो मैंने तो कलेक्शंस पे कलेक्शंस बनाए थे. कभी मैंने कलेक्शंस बनाए थे वेडिंग ज्वेलरी के, फिर मुझको अचानक से नशा लग गया ऑक्सीडाइज्ड और सिल्वर ज्वेलरी की. फिर मैंने बहुत सारे ऑक्सीडाइज्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी खरीद लिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई नो कि मैंने जितना खरीदा है उसमें से आधा से ज़्यादा मैंने नहीं पहना है. इट इज़ ऑल गोइंग टू वेस्ट. पिछले तीन वीडियो से मैं लिटरली सिर्फ ये एक ही इयरिंग पहन रही हूँ, क्योंकि ये एक ही इयरिंग है जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिसेंट है, किसी भी कपड़े के साथ मैच कर जाता है और हल्का भी है. एट द एंड मुझे जो समझ में आया है पिछले एक दो साल में ये है कि नकली ज्वेलरी जो हम पहनते हैं ना, नकली कुंदन की ज्वेलरी जो हम खरीदते हैं, पहनते तो उतना नहीं है, लेकिन ये जो भी नकली स्टोन्स की ज्वेलरी, नकली मेटल्स की ज्वेलरी खरीदते हैं और उस पर हम हज़ारों वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा ये है कि हम वो पैसे बचाएं और नकली ज्वेलरी के 20 सेट नहीं खरीद के हम एक गोल्ड नेकलेस खरीद लें, एक गोल्ड रिंग या एक गोल्ड इयररिंग खरीद लें. उससे ये होगा कि वी विल हैव समथिंग टू होल्ड ऑन टू. वो गार्बेज नहीं है. एक गोल्ड ज्वेलरी जो है इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं सोचिए 60,000 देख के एक रिंग भी खरीद रही हूँ, तो आज से 10 साल बाद वो 60,000 की जो रिंग है वो एटलीस्ट 75,000 की होगी. इफ आई कैन गो एंड सेल इट, आई विल गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट. ये नकली ज्वेलरीज दे आर नथिंग बट गार्बेज. आई हैव स्टॉप्ड बाइंग देम एंड आई थिंक यू गाइज ऑल्सो शुड स्टॉप बाइंग देम. Right, so the third thing that we really need to stop spending our money on is home decor items. Home decor items ke naam pe we are just filling our house with garbage and clutter. We don't need this. Iske alawa bhi mere ghar mein kafi sare show pieces hain jinka koi permanent shelf life nahi hai. Wo abhi hai trend mein aur wo thode din baad trend se chale jayenge. तो फिर मुझे लगेगा कि आई हैव टू रीडू माई इंटीरियर, और फिर मैं वो चेंज कर दूंगी. ऐसा ही मैं करती रहूंगी और फिर मैं अपना पैसा वेस्ट करती रहूंगी. सो आई वुड से कि होम डेकोर के नाम पे वी शुड नॉट ऐड क्लटर. ये आप अमेजोन में जब जाते हो ना, अमेजोन में आपको बहुत सारा होम डेकोर का आइटम मिलेगा जो कि आपको दिखता है कि सस्ते में है. यार यार ये तो 500 में ही है, अरे यार ये तो 700 में ही है, ले लेते हैं घर अच्छा लगेगा. दो दिन बाद उसका रंग निकल जाता है, वो टूट जाते हैं या फिर वो फीके हो जाते हैं, उसका ग्लेज उतना नहीं रहता, एंड देन वी कीप ऑन चेंजिंग देम. इससे अच्छा है कि आप होम डेकोर का जब आइटम लो तो आप किसी अच्छी जगह से लो, थोड़ा सा महंगा लो, लेकिन ऐसा आइटम लो जो आपके घर में एटलीस्ट 20-30 साल तक रहे. मतलब एक टाइमलेस पीस लो जो 20-30 साल तक आपके घर में रहे. अपने पूरे इंटीरियर को वैसे ही आप सजाओ कि उसका एक शेल्फ लाइफ हो, एक तरह की परमानेंट लाइफ हो. ये नहीं कि आपको हर साल हर दिवाली में पूरे घर को चेंज करना है, पूरे घर का डेकोर आइटम्स खरीदने हैं नए करके, क्योंकि पहले वाले आइटम्स फीके हो गए हैं. ये मैं पिछले 3 साल से कर रही हूँ. मैंने अपना बहुत पैसा खर्च कर दिया है. एट दी एंड ये तो आप किसी और को भी नहीं दे सकते, अपने हाउस हेल्प को, डोमेस्टिक हेल्प को भी नहीं दे सकते, वो क्या करेंगे इसका. सो बेसिकली इट इज़ गोइंग टू द गटर. तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पैसा भी गार्बेज में फेंक रहे हैं और हम वेस्टेज में भी ऐड कर रहे हैं. हम अपना एनवायरनमेंट जो है उसको भी वेस्ट कर रहे हैं. तो ये जो फास्ट होम डेकोर आइटम है, दिस इज ऑल क्लटर. से नो टू देम.
दिस इज माई रेंटेड अपार्टमेंट एंड आई एम टेलिंग यू समडे आई हैव टू मूव टू अ डिफरेंट हाउस और वहां पे मैं जाके ये वाला ट्रेंड फॉलो नहीं करूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू क्लटर माई हाउस विद फास्ट होम डेकोर आइटम्स एनी मोर. ये सब जो आपको पेंटिंग दिख रहा है ये सब भी मैंने अमेजोन से लिया था. ये सब पेंटिंग्स दीज आर ऑल्सो प्रिटी चीप बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय और कीप देम एनी मोर. अभी अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी एक प्रॉपर पेंटिंग में इन्वेस्ट करूंगी जिसको मैं सालों साल अपने पास रखूं जो कभी भी आउट ऑफ फैशन ना हो. और मैं एक और चीज़ करूंगी जो मैंने प्लान करा है वो है मैं कम आइटम्स रखूंगी होम डेकोर के. मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी मेरा स्पेस जो है वो कम पड़ जाता है बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा होम डेकोर का आइटम भर दिया है. तो मैं थोड़ा सा होम डेकोर कम करूंगी, कम सामान रखूंगी, ब्रीदेबल एरिया में ज़्यादा रखूंगी ताकि इंसान घर में बैठे सांस ले, उसको मतलब घर चारों ओर से घिचपिच ना लगे. मुझे याद है मेरी मम्मी के पास बस एक ही लिपस्टिक हुआ करता था, लैक्मे का, एक मरून कलर का, और वो उस लिपस्टिक को पूरा यूज़ करती थी. और जब वो लिपस्टिक खत्म हो जाता था शी यूज़ टू गो टू द शॉप और फिर वही मरून कलर वो फिर से लेती थी बिकॉज शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद एनी अदर लिपस्टिक. बट व्हेन इट कम्स टू मी आई हैव 50 odd lipsticks. I have 50 odd nail paints. मेरी मम्मी ने सारी जिंदगी सिर्फ रेड नेल पेंट यूज करा है लेकिन मेरे पास दुनिया भर के नेल पेंट्स के कलेक्शन है. आई हैव येल्लो, आई हैव ब्लू, आई हैव गॉड नोज वॉट ऑल ऑड कलर्स. जो भी मैं देखती हूँ मैं वही खरीद लेती हूँ. एंड यू नो वॉट, ऑल दीज लिपस्टिक्स, ऑल दीज नेल पेंट्स आई डोंट इवन यूज. मैं ज्यादा से ज्यादा 5 लिपस्टिक यूज करती हूँ घुमा फिरा के और वही वाले लिपस्टिक्स यूज करती हूँ जो कि ऑलमोस्ट न्यूड शेड्स होते हैं. बहुत ज्यादा डार्क लिपस्टिक शायद मैं दिवाली वगैरह भी यूज करती हूँ लेकिन थ्रू आउट द ईयर मैं न्यूड कलर्स, बहुत म्यूटेड कलर्स ही यूज करती हूँ. नेल पेंट्स जो मैं 50-60 ले लेती हूँ पैसा वेस्ट करके, सबके सब सूख जाते हैं बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली वेयरिंग देम आई ऑलवेज वेयर सच लाइट कलर्स, म्यूटेड कलर्स जो ज्यादा इन योर फेस ना लगे क्योंकि मुझे ऑफिस में भी काम करना होता है तो आई वॉन्ट टू वेयर समथिंग विच इज वर्क अप्रोप्रिएट. कितने ही मेरे नेल पॉलिशेज और महंगे वाले नेल पॉलिशेज आई एम टेलिंग यू, एक या दो बार मैंने यूज करा होगा और उसके बाद वो सूख गए, मतलब कंप्लीटली सूख गए. और फिर अगर मैंने कभी उन्हें यूज करना चाहा तो मैंने उन पर नेल रिमूवर डाला. नेल रिमूवर डालने से उनका जो फॉर्मूला है वो पूरा खराब हो जाता है, फॉर्मूला एकदम फट जाता है फॉर्मूला. और उसको आप लगा सकते हैं लेकिन फिर वो एक दो घंटे में निकल जाता है. इस तरह से आई हैव वेस्टेड सो मच ऑफ माई मनी इन मेकअप दैट आई डोंट वॉन्ट. मैंने हाइलाइटर्स खरीदे थे, बीच में इन्फ्लुएंसर्स बहुत बोल रहे थे कि हाइलाइटर्स खरीदो बहुत अच्छा लगता है. मैंने हाइलाइटर्स खरीदे, 2 हाइलाइटर्स खरीदे जो कि काफी महंगे थे और मैंने उनको यूज ही नहीं करा बिकॉज मैं कहाँ जाती हूँ एंड दीज वर एक्सपेंसिव. उसके बाद मैंने कई फेस मास्क लिए हैं वो भी इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके, जिनके यू नो चारकोल फेस मास्क, दिस फेस मास्क, दैट फेस मास्क, फ्रूट फेशियल फेस मास्क, और वो भी मैंने ख़त्म नहीं करे क्योंकि जब भी मुझे अपना फेशियल करना होता है या घर में मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा स्किन केयर करना होता है तो मैं वही आई ऑलवेज गो टू दही, आई ऑलवेज गो टू बेसन, नींबू, टमाटर, किचन की चीज़ें. और ये जो मैं डब्बे में एक्सपेंसिव फेस मास्क लेती हूँ, 700-800 रुपए का फेस मास्क लेती हूँ, ये सब सूख जाते हैं. शायद मैं एक या दो बार यूज़ करती हूँ और उसके बाद सूख जाते हैं. एंड आई एम प्रिटी श्योर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है. ऑल दीज मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आई थिंक दिस इज ऑल अ वेस्ट ऑफ माई हार्ड अर्न्ड मनी. आई डोंट नीड टू हैव 50 लिपस्टिक्स, आई डोंट नीड टू हैव 40-50 नेल पेंट्स विच आर जस्ट सिटिंग देयर. मेरे घर का जगह बर्बाद कर रहे हैं, मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मेरा क्लटर ऐड कर रहे हैं और मेरी मन की शांति भी नष्ट कर रहे हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई हैव नो मनी. सो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो इन्फ्लुएंस्ड होकर जिनको लगता है कि हमारे पास भी वी शुड ऑल्सो हैव 10 बॉटल्स ऑफ फाउंडेशन, वी शुड हैव लाइक एन एंटायर कलेक्शन ऑफ लिपस्टिक्स, नेल पॉलिशेस, थिंक अबाउट इट. डू यू रियली नीड इट? आर यू रियली वेयरिंग देम? इफ यू आर नॉट देन कम कर लीजिए, 5-6 इज इनफ. 5-6 कलर्स और शेड्स ऑफ ईच फैमिली ऑफ कलर इज इनफ टू हैव. यू डोंट हैव टू हैव एवरी सिंगल लिपस्टिक विच इज देयर ऑन नायका या फिर विच एवर इज योर फेवरेट साइट. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी. आजकल जब भी हम ग्रॉसरी शॉपिंग जाते हैं हमारा जो शॉपिंग का एंटायर बिल होता है ना उसमें 5,000-6,000 रुपीज होता है सिर्फ प्रोसेस्ड फूड का, बिस्किट्स का, इंस्टेंट नूडल्स का, इंस्टेंट पास्ता का, और पता नहीं इस तरह के कितने और स्नैक्स होते हैं जो एकदम प्रोसेस्ड फूड होते हैं.
एंड वी बाय देम बिकॉज हमें लगता है कि कभी मंच करने का टाइम होगा या मंच करने का मन करेगा, वील जस्ट टेक अ पैकेट, वील ओपन इट एंड वील मंच. दिस इज नॉट हेल्दी. दिस इज नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी. दिस इज नॉट हेल्दी फॉर योर पॉकेट ईदर. प्रोसेस्ड फूड जब लाते हैं, इतू सा एक पैकेट होगा यू नो झालमुड़ी का, एंड दैट विल कॉस्ट यू 20 रुपीज. जूस बॉक्सेस जो है, ये कॉन्सेप्ट आया था वेस्टर्न कंट्रीज से, और अभी हम इंडियन लोग जो पेड़ से फल उतार के खाना पसंद करते थे, हम लोग अभी इन टॉक्सिक जूस बॉक्स के कल्चर में चले गए हैं, जहां पे हमको भी हर महीने ग्रोसरी में इतने बड़े बड़े जूस बॉक्सेस लाने होते हैं. उसमें क्या है? देयर इज नथिंग. उसमें थोड़ा सा फ्रूट का एसेंस होता है, पानी होता है, बहुत सारा शुगर होता है, और बहुत ज्यादा उसका कॉस्ट होता है. सो आई रियली बिलीव के जूस बॉक्सेस को छोड़ के वही पैसे से आप एक्चुअल फ्रूट खरीद के खा लो, बिकॉज जूस बॉक्सेस आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू. एंड सेम गोज फॉर ऑल दीज प्रोसेस्ड फूड. जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, या इंस्टेंट भेल हो गया, इंस्टेंट झाल मुड़ी हो गया, एवरीथिंग विच इज लाइक बस पैकेट से निकालो और खा लो, ये सब हमारे हेल्थ, हमारे पॉकेट दोनों को ही बहुत नुकसान कर रहे हैं. एट द एंड आप कभी कभी होता है कि आप रखते हो अपने किचन काउंटर पे, या आप रखते हो अपनी पैंट्री पे, और रख के भूल जाते हो कि आपके पास वो प्रोडक्ट है या फिर आपके पास वो आइटम है खाने की, और उसके बाद 2-3 महीने बाद जब आप देखते हो, तब तक उसका जो शेल्फ लाइफ होता है, एक्सपायरी डेट जो होता है, वो निकल गया होता है. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर पुटिंग इट इन द गार्बेज. स्ट्रेट मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, स्ट्रेट इन टू द गार्बेज बिन. अभी तक मैंने आपको जो भी खर्चे बताए वो आपको दिखने में छोटे मोटे लग रहे होंगे, बिकॉज you know, maybe one nail polish would cost you 200 rupees, one lipstick will cost you 700 rupees, ek packet chip ka extra le loge to aapko 10-20 rupees zyada lagenge. Abhi main jo bolne wali hu, that involves huge expenditure that you don't need to incur, aur wo hai technology. Pehle kya hota tha, हम एक फोन खरीदते थे और उस फोन को हम तब तक यूज करते थे जब तक वो फोन जो है वो काम करना बंद नहीं कर देता था. आजकल हम टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं, इसलिए नहीं कि हमें उसकी जरूरत है, बट इसलिए क्योंकि हमको इन रहना है, हमको अप टू डेट रहना है, लोगों को ये दिखाना है कि भाई हमारे पास तो एकदम लेटेस्ट मॉडल है. इसीलिए जैसे ही मार्केट में नए ब्रांड का फोन आता है, हम लाइन लगा लेते हैं उस फोन को लेने के लिए. हमें पीयर प्रेशर आ जाता है कि उसके पास होगा, मेरे पास नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे. उस पीयर प्रेशर में हम जाके किडनी बेच के लिटरली एक नया फोन ले लेते हैं, जबकि हमारा पुराना फोन जो है वो अभी भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है. एंड दिस इज हैपनिंग नॉट ओनली फॉर फोन्स, दिस इज हैपनिंग फॉर लैपटॉप्स, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर टैबलेट्स, और जो भी नए नए टेक्निकल गैजेट्स हैं जो भी आप यूज करते हैं, इट्स हैपनिंग फॉर दोस. कैमराज लोग ले लेते हैं 5-6, क्यों एकदम ब्रांड न्यू कैमरा जो आया है वो चाहिए. अनलेस यू आर एक्चुअली अ प्रोफेशनल हु यूजेस अ कैमरा, यू डोंट नीड द लेटेस्ट कैमरा. और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, जब तक आपका पुराना लैपटॉप एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, आपको क्यों चाहिए नया लैपटॉप, आपको क्यों चाहिए नया फोन? लोगों को दिखाने के लिए. लेकिन आपके पास जब पैसे की तंगी होगी, तब कितने लोग आएंगे सामने आपको हेल्प करने के लिए? गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल. मेरे पापा का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, और जब कैंसर ट्रीटमेंट चलता है, दैट इज अ वेरी वेरी फाइनेंशियली लो फेस फॉर एनी फैमिली, क्योंकि कोई भी फैमिली हो, सब जॉब करते हो, फिर भी कैंसर ट्रीटमेंट का खर्चा उठाना इज नॉट ईजी. लेकिन टचवुड, मेरे पापा का पिछले 1 साल से हम कैंसर ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा ने कभी भी जिंदगी में इस तरह की फिजूल खर्ची नहीं की, मेरी मम्मी ने इस तरह की फिजूल खर्ची नहीं की जो मैंने की. इसीलिए दे आर एबल टू अफोर्ड कैंसर ट्रीटमेंट, जिसका शायद खर्चा अगर मैं सारे बिल्स बैठ के गिनूं अभी तक 20-25 लाख तक चला गया है. एंड टचवुड, माई डैड इज एबल टू अफोर्ड इट, बिकॉज मेरे पापा ने उसी तरह से अपनी लाइफ लीड की है, उसी तरह से एक एक पैसे का हिसाब करके ध्यान से अपनी जिंदगी जी है. एंड ऑफकोर्स माई मदर ऑल्सो वॉज अ बिग कंट्रीब्यूटर इन दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से उनका बुढ़ापा जो है वो अभी सेफली गुजर रहा है. एंड दिस इज एक्चुअली वॉट मेड मी थिंक के हम जब बूढ़े हो जाएंगे, तब हमारे पास रहेगा क्या इस तरह का पैसा, हमारे बैंक में इस तरह के सेविंग्स रहेंगे कि बाई चांस अगर हमको कुछ हो जाता है तो वी हैव इनफ मनी इन द बैंक टू टेक केयर ऑफ अस. आई वुड नॉट हैव इट अगर मैं ऐसे ही जिंदगी जीऊँ जैसे मैंने अभी तक जी है. आई वुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, क्योंकि मैंने तो अपने सारे के सारे पैसे डस्टबिन में फेंक दिए हैं. लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी
has gone in the dustbin. So yeah, this is a teaching, a lesson, a life lesson. I thought I'll just sit down and share with you, or I'll have to tell you, okay, stop wasting your money, stop putting your money in the garbage bin. अपना पैसा, मेहनत पसीने की कमाई जो है उसको रद्दी में डालना बंद कीजिए. अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा तो प्लीज जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए. एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम इन सम अदर वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.